साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू ओके इसका आंसर क्या आएगा वो हमें दिखना है सबसे पहले हमें एक चीज ये मालूम होना चाहिए कि देखो साइन स्क्वायर टीटा टू वन ये हमें मालूम है टीटा तो का वैल्यू चाहिए तो वॉट एम गोइंग टू गेट इज वन माइनस कॉ स्क्वायर टीटा राइट तो यहां पर भी साइंस स्क्वायर अल्फा साइंस स्क्वायर अल्फा देखो अभी साइंस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होगा वन माइनस कॉस्क्वायर अल्फा

One, 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 मुझे मिलेगा इस थ्री माइनस अल्फा माइनस ओके ओ सॉरी ग्यामा का साइन मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया ओके दैट इज नॉट द साइन ओके सो दिस इज द साइन ठीक है देखो अभी ये साइन वन का साइन प्लस है ये वन का साइन भी प्लस है और ये वन का साइन भी प्लस है तो तीनों वन को ऐड कर मुझे थ्री मिलेगा का एक काम करते लेट्स टेक So, मैंने कॉमन माइनस मैंने ब्रैकेट ले लिया तो क्या मिला गया कॉस्क्वायर अल्फा प्लस कॉ स्क्वायर बीटा प्लस कॉस्क्वेर गैमा गाइस मुझे तुम लोग और एक चीज बताना था ये कि गाइस याद रखो कॉस्क्वायर अल्फा प्लस कॉस्क्वायर बीटा प्लस कॉस्क्वायर गैमा इसकी वैल्यू है ना वन है तो ये जो दिख रहा है ना इसकी वैल्यू वन होगा याद रखना गाइस तो मैं सिर्फ याद रखना अभी फिलहाल सो स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस्क्वायर बीटा प्लस कॉस्क्वायर कैमा की वैल्यू वन है सो थ्री माइनस वन इज टू एंड वी हैव एन आंसर दैट इज कॉल्ड एज थ्री माइनस वन यस ओके चलो आगे हम सॉल्व करते हैं ओके व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ओके गाइस अगली वैल्यू हमें बता रहा है कि हमें इसका एंगल क्या मिलेगा ठीक है सो लेट्स सी ए वेक्टर दिया है मुझे बी वेक्टर दिया और ए माइनस बी क्या एंगल बनाएगा किसके साथ ए के साथ ओके सो okay. so, पहला हम लोग ए माइनस बी क्या है वो देखते हैं ठीक है सो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू गाइस की है आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर गाइस देखो मैं डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं सो गाइस ये माइनस हो जाएगा प्लस ये माइनस हो जाएगा प्लस ये माइनस होगा प्लस कैसे बिकॉज देखो हमारा साइन क्या माइनस है देखो बीच का साइन क्या माइनस है माइनस है ऑब्वियसली जब हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं तो ये सब माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा तो गाइज वॉट यू आर गोइंग टू गेट इज अगर तुम लोग इवन देखो अभी ठीक है और एक चीज अगर समझो ये देखो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अगर तुम लोग समझो कॉमन भी लेते हो प्लस जे कैप प्लस के कैप अभी देखो इसका माइनस है ना बाहर कॉमन भी लेते हो तो ये माइनस और इसका माइनस कॉमन बाहर आया तो प्लस हो जाएगा और अभी देखो ये माइनस बाहर आ गया तो क्या बन गया आई ये माइनस भी क्या हो गया प्लस हो गया और ये माइनस भी क्या हो गया प्लस हो गया अब देखो ये आई को ये आई को जब हम लोग कॉमन बाहर निकालेंगे तो बाहर निकाला माइनस और ये माइनस क्या बनेगा गाइस प्लस बनेगा यू कैन सी दैट अभी ये सब प्लस है तो क्या मिलेगा देखो टू आई कैप्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप ठीक है बहुत सिंपल कैलकुलेशन है गाइस यू हैव टू जस्ट ओपन द ब्रैकेट सॉरी अब देखो ये देखो अभी ये भी मुझे, मुझे मालूम है दैट इज देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इकल टू जीरो अब तो तुम लोग को देखो a वेक्टर माइनस बी वैक्टर का वैल्यू हमें मिल गया ठीक है सो क्या मिलेगा देखो टू आई वैक्टर प्लस टू जे वैक्टर प्लस टू के वैक्टर इज इक्वल टू जीरो बिकॉज a वेक्टर माइनस बी वैक्टर इक्वल टू जीरो देखो ना कुछ है ही नहीं दिया तो इट विल बी इक्वल टू जीरो ओनली सो लेट्स सी समथिंग इनमें क्या कॉमन है आई कॉमन है सो आई कैप प्लस कैप प्लस कैप इज सो गाइज द नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अगर तुमने जरा देखा है ना आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप देखा तुमने किसकी वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप किसकी वैल्यू देखो किसकी वैल्यू है ए की वैल्यू है तो ये बन जाएगा ए बन जाएगा सो यू आर गोइंग टू गेट टू ए कैप यानी कि इज इक्वल टू सो फॉर की मतलब a का एंगल चाहिए था ये टू उधर जाएगा तो गाइस ऑब्वियसली का वैल्यू का एंगल क्या हो जाएगा जीरो डिग्री हो जाएगा एंड वी हैव अ जीरो डिग्री गाइस वी गॉट द आंसर डिरेक्टली कोई टेंशन नहीं है

दैट इज ए वेक्टर दिखाओ इसका तो हम लोग ये काम करते हैं हमें रिजल्ट मतलब मैग्नेटो का फॉर्मूला तो मालूम so, like तो तो ही है गाइस सो लेट्स सी डेल्टा ए दैट इज लाइक चेंज इन वेक्टर तो हमारा फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला गाइस पी स्क्वायर तो ऑब्वियसली पी और क्यू का जो वैल्यू रहेगा वो ए ही है पी और क्यू का वैल्यू क्या रहेगा इस ए है सो क्या बनेगा मालूम क्या और देखो इसको बोला विदाउट अ चेंज एंड टर्न टर्न मतलब क्या हो गया समझो मतलब आ, वेक्टर p ऐसा है तो वेक्टर q ऐसा गया तो गाइस हम लोगों को मालूम है कि जब डायरेक्शन चेंज होता है तो क्या होता है p q है कि नहीं तो मेरा कल से रिजल्टेंट वेक्टर विल बी लाइक p q ठीक है तो p q हम लोग क्या करते हैं हम लोग माइनस लेंगे फार्मूला पे दैट इज p2 q2 2 डायरेक्शन okay, बोला, बोला चेंज हो गया राइट सो देर फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर ए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देखो ना ये होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्र माइनस गाइस ए इंटू ए मुझे मिलेगा टू ए स्क्वायर कॉस टीटा लेट्स प्रोसीड फर्दर गाइस ये बनेगा क्या बनेगा देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बनेगा टू ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर थीटा ठीक है खत्म नहीं होगा हम लोग इसको कंटिन्यू कर देगा इस यहाँ पर ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं अब तुम लोग ध्यान दो तो गाइस देखो ना इसके अंदर टू ए स्क्वायर कॉमन है तो मैंने क्या किया टू ए को निकाला तो मुझे मिलेगा वन माइनस कॉस थीटा अब आगे सुनो तुम लोग सो देयरफॉर रूट

नाउ आई टू टेल पर ध्यान दो देखो ये टू और ये टू क्या हो गया फोर हो गया ओके okay, अब हम लोग रूट से बाहर निकालते हैं तो फोर को मैं रूट से बाहर निकालेगा तो क्या टू ए स्क्वायर को निकालेगा तो ए साइन स्क्वायर को निकालेगा तो क्या बनेगा साइन टीटा बाई टू ठीक है Sine, है कि नहीं अब हम लोग हमारा क्वेश्चन में जरा दिखतेगा इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है हम लोग क्वेश्चन में दिया है कि स्मॉल एंगल डी टीटा है कि नहीं तो हम लोग क्या करते हैं ये जो टीटा है ना इसको हम लोग लिखेंगे डी टीटा बाई टू बिकॉज हम लोग क्वेश्चन में दिया है सो आई एम चेंजिंग इट ठीक है डिड यू गॉट दिस अभी आगे ध्यान दो नाउ आई आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग इज सुनो गाइस दैट साइन डी डी टीटा बाई टू इज लाइक वेरी स्मॉल एंगल ठीक साइन डीटा बाई टू इज वेरी स्मॉल एंगल सो हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं डी टीटा अपॉन टू वी कैन निगलेक्टेड जैसा देखो ना फॉर एग्जाम्पल हम लोग वेलोसिटी देखते हैं तो वेलोसिटी में जो एयर होता है एयर को हम लोग निगलेक्ट करते हैं है और इसको हम लोग क्या कर सकते निग्लेक्ट कर सकते वैल्यू क्या क्या? है ना साइन की वैल्यू को हम लोग क्या किया और साइन को निगलेक्ट करके साइन डी डीटा बाई का वैल्यू हम लोग डी डीटा बाई टू दैट्स इट नाउ वॉट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट थिंग सो पर ध्यान दो दैट इज दैट इज चेंज इन मैग्नेट ऑफ वेक्टर ए

तो मेरे पास ए डी टीटा नहीं है सो द आंसर माइट बी नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस आंसर नन ऑफ ही होगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं गाइस अगला सवाल बहुत इजी सवाल है ठीक है बहुत इजी सवाल है क्या बोले देखो देर आर टू फोर्स वेक्टर्स

ए वेक्टर है बी वेक्टर है गाइस जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल जाते हैं ना तो इनका टीटा होता है जीरो डिग्री सो so गाइस हम लोग को दो वेक्टर का वैल्यू भी दिया है. कितना दिया है एक दिया है मुझे फाइव न्यूटन और दूसरा दिया है मुझे ट्वेल्व न्यूटन ठीक है तो गाइस इसको ऐड करो दैट इज फाइव न्यूटन प्लस एंड दैट्स गिव मी न्यूटन तो मुझे ये मिल गया कितने डिग्री में जीरो डिग्री में ठीक है अब मुझे अगला बोला है कि सेवन न्यूटन गाइस बहुत सिंपल है हम लोग क्या करेंगे सेवन न्यूटन के लिए बहुत देखो ये ए वेक्टर है ठीक है मैं एक काम करता हूँ ए वेक्टर की वैल्यू को मैं पकड़ लेता हूँ ट्वेल्व न्यूटन पकड़ता हूँ बड़ा वैल्यू पकड़ लेता ओके और ये हो गया हमारा कितना है बॉस ये हमारा फाइन न्यूटन फाइन न्यूटन ठीक है तो फिलहाल वापस ए वेक्टर ए वेक्टर है ट्वेल्व न्यूटन गाइस अभी देखो अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि एंटी पैरल राइट और ये है 5 Newton, ये है एंटी पैरल एंटी

पी स्क्र प्लस क्यू स्क्वेर प्लस टू पी क्यू कॉस्टिटा ये वैल्यू तुम लोगों को पता ही है सो दे फॉर आर इज इगल टू पी की वैल्यू क्या है इस पी की वैल्यू समझो ट्वेल्व है ठीक है क्यू की वैल्यू समझो फाइव स्क्वायर है प्लस

कि मुझे कितने कितने में वैल्यू है ओके okay, सॉरी एकदम फंडा मेरा क्लियर है कि मुझे वैल्यूज कितना है अभी मुझे सिर्फ चेक करना है ये कभी कभी मेरे साथ खेलता है कभी कभी इट्स ओके okay. कभी कभी खेलना उसको अच्छा लगता है ओके okay, सो so मुझे देखना है Zero degree, मुझे देखना है 180 degree और मुझे देखना है 90 डिग्री तो गाइज जीरो आई द ऑप्शन एंड दैट्स इट मुझे वो भी राइट मिला तो गाइस तुम लोग खुद से देखो अच्छे से सॉल्व कर सकते हो सो दैट्स इट आई एम डन